नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबर की ओर, जहां एक तरफ सदन में समाजवादी पार्टी जाति जनगणना के सुर तेज कर रही है, वहीं जमीनी स्तर पर भी समाजवादी पार्टी जाति जनगणना संगोष्ठी अभियान शुरू करेगी। ये अभियान विधानसभा और ब्लॉक स्तर पर आयोजित होगा। समाजवादी पार्टी बिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप के नेतृत्व में शुरू होगा। जाति जनगणना संगोष्ठी अभियान की शुरुआत 24 फरवरी से शुरू होगी। देश पर समाजवादी संगोष्ठी अभियान कल वाराणसी से प्रारंभ होगा। कल 24 से लेकर 5 मार्च तक लगातार वाराणसी में, सोनभद्र में, मिर्जापुर में, भदोही में, प्रयागराज में लगातार विधानसभा व ब्लॉक वार संगोष्ठियों का आयोजित की गई हैं और जाति जनगणना के लिए एक जन आंदोलन के रूप में खड़ा करके और बीजेपी सरकार को मजबूर करेंगे कि जाति जनगणना कराए सरकार। और माननीय अखिलेश यादव जी लगातार मांग कर रहे थे, माननीय नेताजी ने लगातार मांग की और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से लेकर सबके नारे थे। हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ेंगे। विवांशु, जाति जनगणना को लेकर समाजवादी पार्टी के सुर एक बार फिर से तेज हो गए हैं। जी मयूरी, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जाति जनगणना का जो मामला है उसमें कहीं ना कहीं रफ्तार देखने को मिल रहा है। आपको बताएं कि बिहार के अंदर में जाति जनगणना हो रही है, जिसके बाद आपने देखा कि विधानसभा चुनाव हुए उस वक्त समाजवादी पार्टी गठबंधन कुछ प्रमुख मुद्दों पे बात करता था, उसमें से एक जाति जनगणना था। वहीं अगर बात की जाए तो आज सदन की कार्रवाई चल रही है। अभी कुछ वक्त पहले ही सदन की कार्रवाई को 20 मिनट के लिए रोका गया है। वहां पे भी अगर बात करें तो सदन में भी शिवपाल यादव की अगुवाई में जो विधायक हैं वो जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। आपको बताएं कि आज सदन के अंदर में महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश आनंदीबेन पटेल के जो भाषण था, जो अभिभाषण था, उस पर अपना विचार मुख्यमंत्री और साथ ही साथ वित्त मंत्री को रखना था, मगर एक लंबे समय के बाद कहीं ना कहीं देखे तो उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना की मांग एक बार फिर सदन से लेकर सड़क पर उठते हुए नजर आ रही है। आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी के पिछड़ा प्रकोष्ठ के नेता राज्यपाल कश्यप के अगुवाई में कल से एक संगोष्ठी की शुरुआत की जाएगी। बनारस से शुरुआत की जाएगी और 6 मार्च तक चलेगी। आपको बताएं कि पिछड़ा मोर्चा के प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप एक बयान जारी करते हुए कहा कि हम अखिलेश यादव अपने नेता की निर्देश पर हम प्रदेश के अंदर में अलग अलग जगहों पर जाएंगे, मंडल स्तर पर, वहां संगोष्ठी करेंगे और संगोष्ठी के माध्यम से लोगों को जाति जनगणना के विषय में बताएंगे और इसमें कहीं ना कहीं जो जाति जनगणना की मांग है उसको एक तरफ हमारे नेता सदन में उठाएंगे तो दूसरी तरफ हम सड़कों पर आम जनमानस के बीच जाकर जाति जनगणना की मांग में रफ्तार लाने का प्रयास करेंगे। आपको बताएं कि बिहार के अंदर में जाति जनगणना हो रही है, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार भी कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर पूरे डिफेंसिव नजर आ रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि विपक्ष से तमाम मुद्दों की अगर बात करें तो प्रमुखता के साथ जाति जनगणना में रफ्तार लाने के लिए प्रयासरत है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सदन की कार्रवाई में जाति जनगणना की शुरुआत से ही बात हो रही है। रामचरितमानस को लेकर भी विवादित टिप्पणी की थी, अब सदन में इस तरह जाति जनगणना के मुद्दे को लगातार समाजवादी उठा रही है। चुनाव नजदीक है तो कहीं दलित और ओबीसी वोटरों को लुभाने के लिए तो नहीं पूरी रणनीति की जा रही है? जी निश्चित तौर पे अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी अगर देखे तो 2022 के चुनाव के बाद अपनी रणनीति में काफी बदलाव की है। बात करें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के चाचा महासचिव पद पे जब से आश्रित हुए हैं और साथ ही जब से नेताजी मुलायम सिंह के स्वर्गवास के बाद जब उनकी कहीं ना कहीं उनकी गद्दी पर शिवपाल यादव को जगह मिली है, उसके बाद कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के अंदर एक नई ऊर्जा देखने को मिल रही है। और वहीं अगर बात की जाए तो जाति जनगणना और साथ ही साथ कई ऐसे प्रमुख मुद्दे को, चाहे प्रदेश में बात करें तो भ्रष्टाचार और को लेकर सवाल खड़ा करना हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर पे खड़ा करना हो, चाहे बेरोजगारी पे खड़ा करना हो, समाजवादी पार्टी एक नए रंग रूप में नजर आ रही है। अगर बात की जाए तो अगर हाल फिलहाल में जाति जनगणना
और आवारा पशु को लेकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी सरकार पर हमलावर होती थी। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इस मामले पर अगर सदन के पटल पर तमाम विधायक और तमाम जो समाजवादी पार्टी के श्रेष्ठ विधायक हैं उनके द्वारा अगर इस पक्ष को रखा जाता है तो सरकार कैसे डिफेंड करता है, और बिहार के अंदर में जाति जनगणना को मंजूरी मिली है तो उत्तर प्रदेश में क्या रूप रंग होता है वो आने वाला समय बताएगा। जी विवांशु, अखिलेश यादव ने साफ तौर पर अपने पार्टी के लोगों को निर्देश दे दिया, आदेश दे दिया है कि धर्म जाति पर कोई बात नहीं करेगा। जी बिल्कुल, निश्चित तौर से अगर देखा जाए तो रामचरितमानस विवाद के बाद अखिलेश यादव अपनी पार्टी के अंदर में विधायकों की कहीं ना कहीं बगावत देख रहे थे। आपने देखा कि दो महिला नेत्रियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, साथ ही साथ उनके पार्टी के विधायक अमेठी के गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर कहीं ना कहीं अपना समर्थन नहीं दिया, विरोध जताया, जिसके बाद समाजवादी पार्टी एक बैठक करती है। विधानमंडल की बैठक में ये सबको निर्देश दिए जाते हैं, इस पर स्ट्रेटेजी के तहत बात होती है कि मानस विवाद को लेकर कोई बात नहीं करेगा और मानस पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा। वहीं अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव पहले ही कह चुके हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान पर्सनल है, उनका व्यक्तिगत है। वहीं अगर बात की जाए तो इससे साफ है कि समाजवादी पार्टी के अंदर में जो बदलाव हुए हैं, जो नई रफ्तार देखने को मिल रही है, उसमें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर में OBC वोट बैंक और साथ ही साथ SC वोट बैंक में सेधमारी की तैयारी है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखें तो स्वामी प्रसाद मौर्य OBC और SC वोट को साधने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। उसी क्रम में अगर देखें तो तमाम बयान चाहे देखें तो अखिलेश यादव जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी तरफ से उनके निर्देश के बाद पिछड़ा प्रकोष्ठ के राज्यपाल कश्यप एक संगोष्ठी कर रहे हैं। इससे साफ है कि समाजवादी पार्टी जाति जनगणना के माध्यम से OBC और SC वोट को आने वाले चुनाव में साधना चाहती है, और निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो विधानसभा चुनाव के अंदर में 32% के करीब समाजवादी पार्टी को वोट मिले थे और इस मार्जिन को बढ़ाने के लिए समाजवादी पार्टी नए पैतरों को अपना रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 2024 चुनाव और निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी को इन तमाम मुद्दों पर, इन तमाम जो हाल फिलहाल में कृत है उस पर कितना फायदा, सियासी फायदा मिलता है वो आने वाला समय बताएगा। देखिए, जाति जनगणना की मांग बिहार से शुरू हुई, अब यूपी में इसके सुर तेज हो गए, तो क्या लग रहा है सरकार इस मांग पर क्या एक्शन लेगी? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो आज सदन का चौथा दिन है मयूरी, और आज सदन की कार्रवाई से पहले ही शिवपाल यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी और उसका घटक दल RLD पूरी तरह से जाति जनगणना की मांग को लेकर और सरकार से सवाल पूछने लगा। इसको लेकर कहीं ना कहीं सदन की कार्रवाई कुछ मिनटों के लिए स्थगित की गई, मगर इससे साफ है कि इस बार का जो सदन होगा, जो इस बार की सदन की कार्रवाई होगी बजट की, इसमें समाजवादी पार्टी जाति जनगणना और तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को शुरू से ही घेरने के प्रयास में है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सत्ता पक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन, ये तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, पदाधिकारी हैं, वो इस मामले को लेकर अपना क्या पक्ष रखते हैं वो आने वाला समय बताएगा। चर्चा के लिए अब शुरुआत हो गई है। आज भी अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन के बाद, वित्त मंत्री के संबोधन के बाद नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव अपने संबोधन में किन बातों से जाति जनगणना की मांग रखते हैं और सरकार उस पर क्या, उनके जो सवाल होते हैं क्या जवाब देती है और कौन उनके सवालों का जवाब देता है वो देखने वाली बात होगी। अगर बात की जाए तो बीते दिन भारतीय जनता पार्टी के उप नेता और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जाति जनगणना की मांग को कहीं ना कहीं रखते हुए नजर आए। वहीं ओम प्रकाश राजभर जो सुभाषपा के नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो लगातार जाति जनगणना की बात किया करते हैं। वहीं उन्होंने इसमें जब समाजवादी पार्टी जाति जनगणना की मांग उठाती है तो उनका बयान आता है कि मैं लंबे अरसे से जाति जनगणना की मांग कर रहा हूं, अब उत्तर प्रदेश के अंदर में जाति जनगणना होनी चाहिए और अब समाजवादी पार्टी इसमें कहीं ना कहीं रफ्तार के साथ मांग कर रही है। उनका कहना है जाति जनगणना के माध्यम से जिसकी जितनी हिस्सेदारी हो उतनी उसको जगह मिले, और आने वाले समय में देखने वाली बात ये होगी कि क्या बिहार के तर्ज पर उत्तर प्रदेश के अंदर में जाति जनगणना होती है और अगर होती है तो इसका सियासी लाभ किसको मिलता है। जी जी धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।
यूपी विधानसभा की कार्रवाई में भारी हंगामा देखा गया। सपा आरएलडी के विधायकों ने जाति जनगणना को लेकर सदन में आवाज बुलंद की। शिवपाल यादव के नेतृत्व में सभी विधायक धरने पर बैठे। हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई स्थगित हुई, फिर बाद में फिर से सदन की कार्रवाई शुरू हुई। यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने समाजवादी पार्टी की जाति जनगणना पर कहा कि वह अपनी जनगणना करा रहे हैं तो कराते रहे, लेकिन हमारी पार्टी की जो नीति होगी हम उसी में काम करेंगे। शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के एक साथ आज हमलावर होने पर उन्होंने कहा कि जब पूर्व पश्चिम समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक होकर मोदी लहर से नहीं बच पाई तो चाचा भतीजा एक होकर क्या कर लेंगे। बता दें जाति जनगणना की लगातार समाजवादी पार्टी मांग कर रहा है, विधानसभा में भारी हंगामा देखने को मिल रहा है। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ेंगे। विवांशु, विधानसभा में भारी हंगामा दिखा, सपा और आरएलडी जाति जनगणना को लेकर प्रदर्शन कर रही। जी मयूरी, आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र का चौथा दिन है और आज महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का जो अभिभाषण था उस पर अपना प्रस्ताव सूबे के मुख्यमंत्री और प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को रखना था। उससे ठीक पहले ही समाजवादी पार्टी के विधायक और आरएलडी के विधायक, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव की अगुवाई में सदन की कार्रवाई के बीच वेल तक पहुंच गए। जो सदन का वेल होता है वहां पहुँच कर वो धरने पर बैठ गए और साफ तौर पे उनका इस धरने के माध्यम से कहना चाहते थे कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर में जाति जनगणना चाहते हैं और सरकार इसको सक्रियता के साथ, आवश्यकता के साथ समझते हुए, इसे अति महत्वपूर्ण मुद्दा समझते हुए अपना ध्यान केंद्रित करें और सदन के पटल पर इस पर चर्चा की जाए और उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना हो। और इसके माध्यम से कहीं ना कहीं देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर में कहीं ना कहीं देखें तो 80 लोकसभा सीट है, साथ ही 2024 का चुनाव में महज कुछ ही दिन बचे हैं। अगर बात करें तो साल भर के भीतर चुनाव होना है और सभी राजनीतिक दल अभी से अगर देखें तो अपनी तैयारियों में जुटे हैं। वहीं सदन की कार्रवाई में साफ तौर से अगर देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख विपक्षी दल जाति जनगणना के मांग को लेकर काफ़ी आगे निकला हुआ नजर आ रहा है। और आपको बताएं कि आज अगर बात करें तो जाति जनगणना की मांग को लेकर आज एक कमेटी भी बनाई गई है और वो कमेटी अगर देखें तो साफ तौर से लोगों के बीच जाएगी और जाति जनगणना की मांग को लोगों के बीच रखेगी। साथ ही अगर बात करें तो सदन की कार्रवाई के अंदर में समाजवादी पार्टी इस बार प्रमुखता से जाति जनगणना के मुद्दों को उठा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार की तरफ से इस पर क्या कहा जाता है। वहीं आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज पांडे आज वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले सदन की कार्रवाई में कहे थे, उन्होंने ये अपना निर्देश दिया था कि अपने बजट में प्रस्ताव लाया था कि जो विधायकों की निधि है वो 5 करोड़ की जाए, मगर अभी भी 3 करोड़ दी जा रही है। तो साफ तौर से इन दो मुद्दों को लेकर आज समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक विधानसभा के अंदर में धरनावत रहे, जिसके बाद आपको बताएं कि लगभग 20 मिनट तक विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना विधायकों को मनाते रहे, जिसके बाद वो काबू में नहीं आए तो उन्हें कहीं ना कहीं 20 मिनट तक अगर देखें तो 20 मिनट समझाने के बाद सदन की कार्रवाई को फिर आगे शुरू किया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी मयूरी कि क्या सरकार का पक्ष रहता है जाति जनगणना को लेकर। समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव के आ जाने के बाद पार्टी में एक नई ऊर्जा देखने को मिल रही है। जी निश्चित तौर से हम देखें तो सैफई के अंदर में चुनाव हुए और उपचुनाव के अंदर में अखिलेश यादव की धर्मपत्नी डिंपल यादव जीत किया, उसमें बड़ा योगदान शिवपाल सिंह यादव का माना जाता है। और कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी के अंदर में आने के बाद कार्यकर्ताओं के अंदर कहीं ना कहीं उत्साह और जो हौसला है वो काफ़ी इजाफा हुआ है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सदन की कार्रवाई के पहले ही दिन अखिलेश यादव कहीं अलग नजर आते हैं और शिवपाल यादव की अगुवाई में विधायक
चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर जाते हुए नजर आते हैं। और आज फिर एक बार सदन में देखा गया है कि शिवपाल यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी के विधायक आज धरनारत रहते हैं। वहीं कहीं ना कहीं देखा जाए तो विधानसभा के अंदर में अखिलेश यादव की सीट के ठीक बगल में उनके चाचा शिवपाल यादव की सीट होने के बाद कहीं ना कहीं पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के विधायक एकजुट नजर आते हैं, प्रमुखता से प्रदेश की समस्याओं को रखते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि शिवपाल सिंह यादव की पार्टी में आने के बाद उपचुनाव को अगर हटा के देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर में निकाय चुनाव होना है। वहीं अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश की अगर देखे तो अब्दुल्ला आजम की सीट जो स्वार है वो खाली हुई है, वहाँ उपचुनाव की तिथियां आएंगी, उसमें कौन जीतता है वो भी देखने वाली बात होगी। और निकाय चुनाव में कौन पूरी विविधता के साथ आगे जीतता है और किसके सीट निकलते हैं, माना जा रहा है कि निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर में लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल चुनाव के तौर पर देखा जा रहा है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि विधानसभा की कार्रवाई के बाद अगर मार्च अप्रैल में निकाय के चुनाव होते हैं तो उसमें शिवपाल यादव की भूमिका क्या रहती है, और शिवपाल यादव के आने के बाद ये पहला चुनाव होगा जो पूर्ण रूप से चुनाव होगा, इसमें क्या नतीजा आता है, उसके बाद ये कहना साफ होगा कि शिवपाल यादव के आने के बाद कहीं ना कहीं पार्टी एक अलग राह पे चल रही है। जी धन्यवाद तमाम जानकारियों के। खबर संबल से है जहां सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने दारुल उलेम देवबंद के मौलाना हुसैन अहमद का समर्थन किया। सपा सांसद ने कहा कि इस्लाम में दाढ़ी रखना जायज है और अगर ऐसे में मौलाना हुसैन अहमद ने छात्रों की दाढ़ी रखने का फरमान दिया है तो उनकी यह बात ठीक है। यूपी के सहारनपुर स्थित इस्लामिक मदरसा दारुल उलेम देवबंद की शिक्षा विभाग के प्रभारी मौलाना हुसैन अहमद ने हाल ही में एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा है कि मदरसे में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स दाढ़ी नहीं कटवाएंगे और अगर छात्र अपनी दाढ़ी कटवाते हैं तो उन्हें मदरसे से निष्कासित कर दिया जाएगा। ये मसला मुसलमानों में कोई इख्तलाफी नहीं है, ये बरेली या देवबंद का मसला नहीं है, ये इस्लाम का मसला है और इस्लाम के लिए बहरहाल जो कुछ हुक्म अल्लाह के रसूल ने दिया है वो सब मानते हैं, उसके उसमें कोई हमारा इख्तलाफ नहीं है इस्लाम के अंदर। तो इसलिए अगर उन्होंने ये बात कही है इसके लिए दाढ़ी रखाने के लिए, जो दाढ़ी नहीं रखाएगा तो उसको दाखिल नहीं किया जाएगा, ये बात उनका कहनी बहरहाल अपनी जगह पर सही है। इस खबर पर हमारे संवाददाता गौरव हमसे जुड़ेंगे। गौरव, इस्लाम में दाढ़ी रखना जायज है ऐसा शफीकुर रहमान ने कहा है? जी नहीं, मामले की बात करें यूपी के सहारनपुर स्थित इस्लामिक मदरसा दारुल उलूम देवबंद के शिक्षा विभाग के प्रभारी मौलाना हुसैन अहमद ने अभी हाल में एक आदेश जारी किया है कि मदरसे में पढ़ने वाले जो भी स्टूडेंट हैं वो दाढ़ी नहीं कटवाएंगे, अगर छात्र अपनी दाढ़ी कटवाते हैं तो उनको मदरसों से निष्कासित कर दिया जाएगा। हालांकि जो बयान है वो बयान किस व्यवस्था के तहत दिया, क्योंकि यहाँ पर जब भी कोई स्कूल होता है मदरसा होता है तो वहाँ पर जो ड्रेस कोड होता है या जो वहाँ के जो वहाँ पर गाइडलाइंस है उसके हिसाब से आपको आना होता है, पर चूंकि इन्होंने कहा है कि यहाँ पर आप दाढ़ी अगर कटाएंगे तो आपको निषेध कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मदरसे में वो शरीयत के हिसाब से यहाँ पर काम करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर इनके बयान की बात करें तो समर्थन यहाँ पर किया है, समर्थन किया है समाजवादी पार्टी के संबल सांसद शफीकुर रहमान बर्क, जो कि समय समय पर तमाम तरह के मुद्दों पर बयान देते रहते हैं। उनका कहना है कि चूंकि ये मामला शरीयत का है, शरीयत के मामले पर यहाँ पर गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए वहाँ के जो दारुल उलूम देवबंद के शिक्षा विभाग के प्रभारी है हुसैन अहमद, उन्होंने ये बयान दिया है और उन्होंने आदेश दिया है, तो कहीं ना कहीं ये शरीयत का मामला है, शरीयत के तहत उन्होंने ये आदेश दिया है, तो इस आदेश का समर्थन होना चाहिए और यहाँ पर जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनको दाढ़ी नहीं कटानी चाहिए और दाढ़ी कटाई जाती है तो उनका निष्कासन यहाँ पर जायज है। तो निश्चित रूप से चूंकि बयान पहले आदेश आया उसका बयान आया, ये बात स्पष्ट करता है
कि जो शरीयत के हिसाब से जो इस तरह की ये गाइडलाइंस चल रही है कि उनका कहा कि शरीयत में कहा गया है, तो फिलहाल मदरसों पे शरीयत के हिसाब से जो गाइडलाइंस वो फॉलो कराई जा रही है। और हुसैन अहमद का बयान स्पष्ट रूप से करता है कि बताता है कि मदरसों में जो भी गाइडलाइंस फॉलो होती है वो अमूमन देखा जाता है कि उन गाइडलाइंस के पीछे जो जो उनका धर्म है, धर्म की जो भी गाइडलाइंस उसको फॉलो करते नजर आ रहे हैं। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां दो दर्जन आईएएस अफसरों का तबादला हुआ, जिसमें सैमुअल पाल एन को कानपुर जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई, वहीं अविनाश सिंह को अंबेडकर नगर जिला में तैनात किया गया, जिसके बाद अविनाश सिंह ने कहा कि प्रथम प्राथमिकता वाली योजनाओं को आम जनमानस तक पहुंचाने का कार्य किया जाए। संबल में कक्षा 12वीं की छात्रा ने इंसाफ ना मिलने पर जिलाधिकारी संबल एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी संबल को शिकायती पत्र देकर चौधरी मुंशी हुसैन इंटर कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बता दें, शाहपुर सिरपुरा निवासी कुलसुम सैयदा पुत्र जाहिर हसन ने चौधरी सुनशी हुसैन इंटर कॉलेज दबोई खुर्द के प्रबंधक पर प्रैक्टिकल ना कराने पर 25,000 की मांग करने का आरोप लगाया था, जिसको लेकर शिकायती पत्र देकर चौधरी मुंशी इंटर कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। मैं शाहपुर से पढ़ गई हूँ, सीएमएच इंटर कॉलेज दबोई खुर्द में पढ़ती हूँ, लेकिन मैंने कई जगह रिपोर्ट भी की तो कोई सुनवाई नहीं हुई, लेकिन आज मैं इनके डी आई ओ एस सर के पास आई हूँ तो इन्होंने शिकायत मेरी सुनी, मेरी पूरी सारी समस्या सुनी, लेकिन इन्होंने कुछ करा है, इन्होंने अब आगे के लिए लिखा है। क्या कार्रवाई क्यों कर बोल दिया? इन्होंने बोल दिया कि बेटा अब तो तुम्हारा पेपर तो हो नहीं सकते, पेपर तो करवा नहीं सकते, लेकिन हाँ इतना कह सकते हैं कि स्कूल मालिक के साथ जो होगा हम वो करेंगे ज़रूर। क्या कार्रवाई कर? इसकी स्कूल की तो मान्यता। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रहरा अड्डे के पास बनी बर्फ फैक्ट्री से बीती रात जहरीली गैस छोड़े जाने और ब्लास्ट हो जाने से एक युवती बेहोश हो गई। वहीं मामले को लेकर लोगों ने बताया कि गैस रिसाव होने की वजह से 30 से 40 लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई और उनकी हालत खराब हो गई, जिनको तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और जाँच में जुट गई। मेरा नाम सुनीता है। अच्छा, क्या हुआ? मेरे शादी है तो वहाँ पे ढोलक बज रही थी, अब जैसे ही वो हवा के जरिए सांस वो आई गैस और आंखों में को घुसी तो बच्चे बोले बदबू आ रही है। मैं कि कुछ ही ना कुछ जला दिया, दिखा है बाहर आकर देखा है तो सारे में फैली हुई है, तो तब बच्चे जो है भागे बाहर को, तब रोल जो मचा तो सांस ना रहा हमें भी, हमने भी मुंह से ढाटा लपेटा। छोटे छोटे बच्चे तो हाँ, अब हमारी जो अम्मा वो तो बहुत बुढ़िया, उससे तो चला भी ना रहा, उसे तो घर में बंद कर दी मैंने। मैं कि अम्मा तुम तो कहाँ जाओगी? तो कितने लोग बेहोश हुए होंगे? हमारे लगभग 25-30 आदमी थे जो ज्यादा मुँह में को गैस जा रही थी तो इस वजह से तो बेहोश होकर गिर रहे। हम तो बड़े थे तो ढाटा लपेट लिया, बच्चे तो लेकिन इतनी गौर नहीं करी। लेकिन अब जो शाम के टाइम में सब ने सोची क्या, सब अपने अपने कमरों में सो गए हैं, तो इसलिए इन्होंने बहुत सारी गैस छोड़ी, तो ऐसा एकदम सी आंखें भी और सब बिल्कुल घुटन सी हो गई, घुटन पैदा हो गई, वो तो बेहोश से हो गए। हम लोग भी हो गए बेहोश से, हम तो बड़े हैं, बच्चे तो बच्चे हैं। हाँ, जब ऐसे हो गए तो ऐसे दिलों पर भी ऐसी लग रही एकदम सी दर्द से होने लगे, बहुत से लोग गिर गए बेहोश होकर, बच्चे भी गिर गए, हमारे तो बच्चे भी अंदर सो रहे थे वो भी उठ कर भाग रहे, मम्मी जना का हो गया। अच्छा, कितने लोग बेहोश हुए होंगे? 30-40 लोग है जी जो बेहोश हुए थे। क्या नाम है अपना? मंजू। अच्छा, क्या हुआ मंजू जी? यहाँ पे ये हुआ कि एक फैक्ट्री में गैस छुट्टी बहुत आई, कमरों में से निकलना भारी हो गया, दम घुटने का ऐसा हो गया कि सांस लेने में दिक्कत बाजी अब तक भी हो रही है। अच्छा। और दवाई ले लेके आए हैं सब, 30-35 आदमी हैं, वही बच्चे छुट्टे छोटे मोटे। किस टाइम की घटना, क्या हुआ था? 8 बजे के करीब में घटना। अच्छा, यहाँ कोई आया जिसने जांच पड़ताल कुछ की? यहाँ पुलिस आई थी। फिर क्या हुआ उसके बाद में? वो पूछताछ के चले गए कि किस टाइम ये हुई है, कैसा होगी कैसे ना होगी। तो अब गैस बंद है, बंद करा गए, क्या हुआ? इस टाइम तो बंद है।
अच्छा, क्या नाम आपका? सुनता नाम। क्या हुआ सर? गैस छूट रहा, बड़ा तेज छोड़ा था इन्होंने जी। अरे हम बड़े परेशान हो गए, मुँह में ढाटा बांध बांधता, हमने रोल मचाई जब बच्चों क्या हुआ? बच्चों को भी मुंह बंद कर रहे, जब गैस चल रहा आंखों में भर रहा धुआं सा जी, तो जे भी परेशान है, रो रहे बच्चे भी, मम्मी क्या होगा क्या होगा, बेटा चुप रहो अभी होगा। तो कोई बेहोश हुआ हो गया था ये? हाँ ना, ऐसे बेहोश था ना, पर मुंह में तो भर रहा, आंखों में भर रहा, तमाम आंखें बंद होने लगी। बोर्ड परीक्षा के दौरान छात्र काफी तनाव में आ जाते हैं। परीक्षा के बाद स्ट्रेस से निपटने के लिए बच्चों को डॉक्टरों से कंसल्टेशन की जरूरत भी पड़ जाती है। ऐसे में डॉक्टरों की माता पिता को सलाह है कि वे अपने बच्चों की मानसिक सेहत का ध्यान रखें। जब छात्र परीक्षा को लेकर एंग्जायटी की समस्या से गुजर रहे हो तो वह आसानी से किसी से अपनी बात साझा नहीं कर पाते। परीक्षाओं के दौरान दिन रात केवल पढ़ाई में लगे रहते हैं, लेकिन इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि हमारे दिमाग को भी आराम की जरूरत होती है। अगर बच्चों पर अच्छे नंबर लाने का प्रेशर लगातार बना रहेगा तो आसानी से एंग्जायटी का शिकार हो सकता है। ऐसे में जरूरी है कि एग्जाम के दौरान माहौल को हल्का रखें और पढ़ाई पर फोकस के साथ अन्य गतिविधियों के लिए भी समय निकालें। स्टूडेंट्स होते हैं, पूरे साल उन्होंने पढ़ाई नहीं की होती है और इस स्टेज पे आकर के वो बहुत डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब पता नहीं मैं इससे कैसे पार पाऊंगा, मैं अपने आप को दोष दूं कि किसको दोष दूं। उस कन्फ्लिक्ट में जहां वो सच्चाई को नहीं स्वीकारते हैं, वो कन्फ्लिक्ट की परिस्थिति उनके अंदर ऐसी परिस्थिति को यानी एटीचीफोबिया को जन्म देती है। कई बार जो स्टूडेंट होते हैं वो इनपुट से ज़्यादा आउटपुट पर फोकस करने लगते हैं कि रिज़ल्ट कैसा आएगा, रिज़ल्ट कैसा आएगा, जबकि एफर्ट उन्होंने कुछ भी नहीं करा होता है। तो ऐसी परिस्थिति भी एटीचीफोबिया को जन्म देती है और डर की जो भी परिस्थिति होती है उसको सही तरीके से संभाल नहीं पाना। एग्ज़ाम के समय तो बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में रहने से कोई अधिक लाभ नहीं है, बल्कि व्यक्ति को आराम से इत्मीनान से पढ़ना और ख़ास करके रिवीजन करने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होता है कि शेड्यूल जो हम बनाएं उसमें नींद के लिए और रेस्ट के लिए अप्रोप्रिएट टाइम होना चाहिए। पढ़ाई को ज़्यादा टाइम देने में दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नींद और जो आवश्यक चीज़ें हैं जैसे खाने वगैरह को कॉम्प्रोमाइज़ करके जो पढ़ाई पर ध्यान देना है वो सही नहीं है। असल में नींद का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है हमारी मेमोरी को अच्छा बनाए रखने में और टेंशन फ्री रखने में। तो इसलिए नींद एग्जामिनेशन के समय, परीक्षाओं के समय बहुत महत्वपूर्ण होती है। साथ अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।